तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसमें सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है कि सर जीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, जीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द ये कि सर यहां पर मार्क्स कैसे बढ़ाए। तो सर जीएस में हम जो है स्कोर कैसे करें, यहां पर इस बात को बताइए कि जीएस के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बच्चों का डिमांड रहता है, पिछली वीडियो में बच्चों ने बहुत कमेंट किया। ठीक है, तो इस बारे में हम समझते हैं कि जीएस की स्ट्रेटजी क्या होगी। देखो, आपको जीएस को अपने पेपर के लिए तीन पार्ट्स में तोड़ना है, आप समझेंगे यहाँ पे। और तीन पार्ट से आपके सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है ना, वो होता है मेरे भाई यहाँ पर सिलेबस। सिलेबस का मतलब क्या हो गया, सिलेबस का मतलब यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हो गए। जैसे अगर हम बात करें तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपको बायो हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और इसके अलावा यहां पर आपका थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, तो ये हो जाता है आपका स्टैटिक का पोर्शन। ये जो स्टैटिक का पोर्शंस होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं इसमें कि सर कंट्री एंड कैपिटल है, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर करेंसी जैसे शब्द हो गए, फिर उसके बाद यहां पर जैसे डांस वाले शब्द हो गए, जितने के जितने, फोक डांस, ये डांस, वो डांस, इसके अलावा जितने भी स्टैटिक के पोर्शंस हो गए, प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के ये कौन है, ये फलाना ढिकाना, जितनी बातें होती हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा करंट, करंट अफेयर। ठीक है, ये जो जीके होता है ना, ये हमारा तीन पार्ट्स में ब्रेक होता है करंट अफेयर्स में। जैसे कि मैंने कहा आपको, पहला पार्ट सिलेबस, दूसरा पार्ट स्टैटिक, तीसरा पार्ट करंट अफेयर। और हमें एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जिनसे हम तीनों पार्ट को क्रैक कर पाए बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि पेपर में सवाल यहां से भी आते हैं, यहां से भी आते हैं, यहां से भी आते हैं। अगर हम इनके ब्रेकआउट की बात करें तो करंट अफेयर्स में हमारे कितने सवाल होते हैं, करंट अफेयर्स में हमारे 4 से 5 सवाल होते हैं। ठीक है, स्टैटिक से हमारे कितने सवाल होते हैं, तो 4 से 5 सवाल होते हैं। अगर हम इनका वेटेज 10 सवालों का मान ले तो पूरी की पूरी सिलेबस से हमारा 15 सवाल आता है। और हमें जो है एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी। देखो भाई, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें। अगर मैं इतनी वैल्यूएबल बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूं आप लोगों के स्कोर को बढ़ाने के लिए, तो ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, अगर मैंने यहां पर जो है एक जहद उठाई है कि आप लोगों के स्कोर को बढ़ाऊं मैं, आप लोगों की सहायता करूं मैं, आप लोगों को जो है स्ट्रेटजी ढंग की बताऊं, तो उसी तरीके से आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो आप। तो ये हमारा एक सिलेबस हो गया, और दूसरा हो गया हमारा ये स्टैटिक का पोर्शन, और तीसरा हो गया हमारा करंट अफेयर का पोर्शन। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स पर अगर जो स्टूडेंट काम कर लेगा उसका जीएस में जो स्ट्रेटजी है, जीएस में जो स्कोर है, वो हमारा 35 प्लस आना शुरू हो जाएगा। और 30 और 35 प्लस एक बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाता है आपके जीएस में। अगर इतना आप स्कोर करते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन इस बढ़िया रिजल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस तरीके की जो है हमें ब्रेकआउट रखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, तो यहां पर समझते हैं, सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट पकड़िए यहां पे सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट में अगर आपको देखना है ना, तो आप देखना है यहां फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बायोलॉजी केमिस्ट्री से ज्यादा नहीं आते, सबसे ज्यादा बायो से आते हैं, फिर पॉलिटी से, हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से। ये आपके जो है ना, ये चार सब्जेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन 7 सब्जेक्ट्स में। इसको जो है आप प्रॉपर तरीके से अगर रिवाइज कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से आप एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। फिर बच्चा बोलेगा कि सर इसको पढ़े तो कहां से पढ़े। ठीक है, क्या कोई किताब को रेफर करें, क्या कोई यूट्यूब चैनल को रेफर करें, कैसे पढ़े। तो देखो, हमारे चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक में जो सबसे बेस्ट होगा मेरे हिसाब से वो रहेगा लूसेंट। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं, ठीक है, या हिंदी वाले स्टूडेंट अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं, तो आप वहां से भी सवालों को बढ़िया तरीके से, कंसेप्ट को समझ सकते हैं। कभी भी जीएस को पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होती है वो इस तरीके से होती है कि पहले आप सब्जेक्टिव को पढ़िए और फिर उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव को लगाइए। जैसे मानिए कि सबसे पहले आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, तो आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ लीजिए और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर आधारित जितने भी प्रश्न आपके लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में है, पहले आप उसको लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, आपको जो चीजें हैं क्रम अनुसार याद होते चले जाएंगे, और आपका फिक्स रहेगा कि हाँ यार, जब मेरे सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो उसमें मुझे सही ऑप्शन किस तरीके से टिक करना है। तो इन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट बात आता है स्टैटिक में। स्टैटिक के लिए देखो, अलग अलग तरीके से काम किया जा सकता है। स्टैटिक में कोई बच्चा बोलता है कि सर हमको ट्रिक से याद होता है, जैसे मानो कि पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, आपके दर्रे हो गए, ठीक है, इनको कोई बच्चा कहता है कि सर हमको ट्रिक से याद करना है। जैसे जितने ताल वाले हो गए, जिस शब्द के आगे ताल लगा होता है वो कहां पर होता है, सारे के सारे उत्तराखंड में हो गए, भीमताल, ठीक है,
नैनीताल, इस तरीके से करके। तो ये सारे के सारे मेरे भाई कहाँ पर हो गए? उत्तराखंड में। तो आपने जैसे ट्रिक से याद कर लिया, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ट्रिक से यूट्यूब चैनल में आपको एक बता रहा हूँ वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो, क्रेजी जीके ट्रिक्स करके। क्रेजी जीके ट्रिक्स करके जो है आप इस अगर चैनल को फॉलो करते हो यहाँ पर, मैं इनको जानता नहीं कौन है ये, हाँ लेकिन इनके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, जहां से आप भी फायदा उठा सकते हैं। और स्टैटिक के लिए इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया हुआ है। तो स्टैटिक का पोर्शन आप यहां से कंप्लीट कर लीजिए, साथ में लूसेंट का जो मिसलेनियस है उस लूसेंट के मिसलेनियस को जरूर खत्म कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। लूसेंट का जो मिसलेनियस है ना उनको भी आप जरूर खत्म कर लो। मिसलेनियस में जैसे आपका हो गया कंट्री कैपिटल है, इसके अलावा जो है एक एक पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसके अलावा जो है कौन सा पार्क, जैसे सिमलीपाल हो गया, सिमलीपाल कहाँ है तो उड़ीसा में है। जैसे डांस के बारे में हो गया कि जो राउफ डांस है वो कहाँ का है तो कश्मीर का है, जो तमाशा है वो कहाँ का है तो महाराष्ट्र का है। इस तरीके से आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर टिक करके मिसलेनियस में खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मानो और भी पिंक बॉक्स कैसे हो गए, हिस्ट्री में आपने कुछ पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, कब की थी, रोहतवारी जो सिस्टम हो गया वो कौन लेकर आया था, जमींदारी कौन लेकर आया था, तो ये लूसेंट में पिंक बॉक्स में बनाकर दिया गया है। ये आपके ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कवर अप कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका स्टैटिक में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और लास्ट में आ गया हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए बकायदा मैंने आपको बताया था कि पिछले 6 महीने का इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 3 महीने का आपको डेली पढ़ना है और 3 महीने का आपको मंथली पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया, इसका आप डेली का वीडियो देखो, ठीक है, जहां से भी आपको मिले। एक एक दिन का घटना आपको याद रखना है। और उसके अलावा जो पीछे के महीने हो गए, पीछे के महीने कौन हो गए, जैसे अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, इनका आप मंथली पढ़ा करो। इनके अलावा जो आपको और पढ़कर जाना है, जैसे क्रैप होता है, ठीक है, या फिर PIN होता है। PIN का मतलब क्या होता है, पर्सन इन न्यूज, जो पर्सन जो है वो सबसे ज्यादा न्यूज में हो, ठीक है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई हो उससे संबंधित सारी की सारी बातें, चुनाव हुआ है तो उससे संबंधित बातें, और भी 4-5 बातें जितनी भी होती हैं, इन सभी पोर्शंस पे आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव को अगर आप अच्छे तरीके से लगाते हैं तो आप लोगों का काफी ज्यादा फायदा होगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले हमारे CGL को और CHSL को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई मौका एक ही है और इस एक महीने, इसी एक मौके में जिसने हथौड़ा मार दिया समझो गेमर वही है, नहीं तो बैठकर पछताना पड़ेगा और फिर वही बात हो जाएगी, बाद पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से आप पूरा बढ़िया से एक स्ट्रेटजी बनाइए और साथ में जरूर बताइए मुझे कि आप लोगों को जो है और किन किन चीजों में मेरी आवश्यकता पड़ेगी, कैसे आप और मेरी हेल्प चाहते हैं, ठीक है। और बढ़िया तरीके से इस पॉइंट को याद रखिए, धीरे धीरे मैं आपको और स्ट्रेटजी बताते रहेंगे। और यहां पर जो सब्जेक्ट वाले पोर्शन है ना, इनमें हमेशा काम करना, एक तरफ सब्जेक्टिव पढ़ते जाना, दूसरे तरफ ऑब्जेक्टिव लगाते जाना। ऐसा नहीं करोगे तो एक तरफ पढ़ोगे दूसरे तरफ भूलोगे और ये बड़ा खत्म कहानी हो जाएगा,